पाकिस्तान की सियासत में जल्द ही उथल पुथल देखने को मिल सकती है। एक तरफ पाकिस्तान में तख्तापलट की खबरें चल रही हैं, तो अब आर्मी चीफ जावेद बाजवा को भी बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इमरान खान इस बात की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं कि अगर चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो वे इस महीने के आखिर तक शहबाज शरीफ की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अंतिम आह्वान करेंगे। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जावेद बाजवा के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बैठक राष्ट्रपति डॉक्टर आरएफ अलवी के राष्ट्रपति भवन में ही कराई गई थी। इस सीक्रेट मीटिंग का खुलासा पीटीआई के दक्षिणी पंजाब चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष इशाक खाकवानी ने एक टॉक शो में किया। इस गुप्त बैठक के बाद ही कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के जरिए इमरान खान की सत्ता में वापसी का रास्ता एक बार फिर से तय हो सकता है। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान में अप्रैल 2023 से पहले कभी भी चुनाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक लगभग दो तिहाई बहुमत के साथ इमरान खान सत्ता में वापस आ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।